गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये देखो रिशु की एक्टिंग। अभी हम लगा रहे हैं नेल पेंट्स। मैंने भी ये वाला कलर सेलेक्ट किया था लगाने के लिए, बट ये तो खुल ही नहीं रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा। मैं खोलूं? नहीं, मैंने काफी ट्राई कर लिया, जब भी नहीं खुल रहा ये। और फिर उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट किया है, अभी मैं ये वाला नेल पेंट लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ। बस रिशु ने ये खोल दिया यार। जो मम्मी सारी खोली थी, दीदी सारी खोल रही। देख लो हमें कितनी पावर है और रिशु में कितनी ज्यादा पावर है। ऐसे मत करो रिशु, ऐसे मत करो, खराब हो जाएगी वो। तो थैंक यू रिशु। अभी मैंने ये कलर लगा तो लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साफ करके पता नहीं क्यों ले लिया था। अब कौन साफ करेगा? सोच रही इसी के ऊपर एक कोड और लगा लूं, है ना? लगा लो, कर लूं ऐसा? कर लो, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, फिर वो कलर दूसरा आ जाएगा। हाँ, तो कलर नया बन तो सकता है ना। आज तुम दोनों को उठना नहीं है बिस्तर से, 1:30 बज गया अभी तक। बैठ गई नान खटाई खाने को, फ्रूट्स फिनिश नहीं हुए अभी तो। आज रिशु रो रही है। इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो कि इन्हें बाबा के पास जाना है। ऊपर देखो, ऊपर बाबा तहसील में अपना काम करेंगे, आपको देखेंगे, बताओ, बोलो ना। अब उठो तो जाओ, पापा आ रहे, फटाफट से रेडी हो, पापा के साथ चली जाना, जल्दी खड़ी हो, खड़ी हो। तो ये रिशु का गेटअप हो गया, रेडी, गुड। चलो बाहर पापा का वेट कर लो, ओके। तो गाइस, अभी हमने इसमें चने का साग और कस्सा होता है, एक यहाँ साइड में मिलता है कस्सा, मैं बताती हूँ आपको, ये होता है कस्सा और थोड़ा सा पालक, और अब बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने वॉश करके, और इसमें डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च काट कर, और अब मैं लहसुन छील रही हूँ, लहसुन डाल दूँगी और हींग डालनी है, फिर इसमें सीटी लगवा देंगे। तो आज मैं समझ गए होंगे कि साग की रेसिपी बताने वाली हूँ आप सभी को। ये डाल देते हैं इसमें लहसुन और चमचे से इसे थोड़ा सा ना हम मिक्स कर देते हैं इसमें, और हम इसे कर देते हैं बंद। क्योंकि साग बॉईल तो हो गया था, पर अब उसे मैं मतलब मिक्सी में पीस लेती हूँ और फिर उसके बाद छौंक लगा दूंगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें चावल का आटा ले लो चाहे गेहूं का, फिर उसे इस साग में मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ ना। हाँ, इसको बोलते हैं आलन, जिससे कि थिकनेस बढ़ जाएगी इसकी, जो पानी पानी सा हो जाता है वो नहीं रहता। अब ये लगभग 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक थोड़ा उबलेगा, खोल इसमें जैसे ही आ जाएगा, खोलना स्टार्ट कर देगा, फिर हम इसमें छौंका लगा देंगे। और जब तक हम इसका छौंक रेडी करते हैं, लहसुन काट रही हूँ मैं अभी, और मसाला डालते हैं इसमें, जो भी मसाला कम है अभी इसमें हमने टेस्ट कर लिया था वो डाल देंगे। डॉक्टर साहब आ गए हमारे, चाय इनकी रखी हुई है, इन्होंने डिमांड की है खीर की, पूरा बाउल ले आई मैं खीर वाला, आराम से खाओ। नहीं नहीं भारी था, गर्म कर लाऊं, गर्म करके वो टेस्ट नहीं आएगा फिर इसका, है ना। चलो फटाफट, हाँ खाना बना दी जल्दी से। हाँ, वो कांति करवा रही है मेरी हेल्प। ऐसे बनाते हैं, हमारे बनाते नहीं है, मेरे यहाँ तो ये खाया ही नहीं जाता ये वाला साग, हमारे कुछ अलग तरीके से बनता है। तो कांति बताया कि इनपे आता है, इनके यहाँ ऐसे ही बनता है। मेरे यहाँ खाली चने का साग बनता था, वो भी कभी कभार, मोस्टली लोग यूज नहीं करते थे, बहुत कम खाते थे मतलब। और बनता कहाँ था, मेरे मतलब नानी के यहाँ पे, वहाँ कभी कभार अगर मिल गया तो। हाँ, नानी के यहाँ पे जो चने का साग, चने में बाजरे का आटा मिक्स करके वो जब बनाते थे, तो जब वो ये ना जगह जगह का वो चेंज हो जाते हैं, खान पान भी, बोली भाषा, थोड़ी थोड़ी दूर जाके तो भी जहाँ रहने लगते हैं वहीं का हमें सीखना चाहिए खान पीना कैसा है कैसा नहीं। हाँ, तो अब डाल के पहले मिर्च एक डाल के देख ले। मैं
भी होगी तभी अच्छी लगती है। हाँ पकौड़ी वाली कितनी अच्छी लगती है, करारी करारी हो जाएंगी ना अभी बहुत। धसका उड़ गया तो मैं ना कांति से सीख रही हूँ कि चावल की रोटियां कैसे बनाई जाती हैं। कांति तो बहुत अच्छी रोटी बना दी। मैंने ये लोई ली है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देख मैं बताऊं कोई किसी का में, हाँ कोई किसी का, किसी को सबको सारे काम तो नहीं आते ना गाइस, है कि नहीं है, पर कोशिश करोगे तो सब आ जाएगा। तो मैं सीख रही हूँ। दिक्कत ये है मेरी रोटी बड़ी नहीं होती है। तो बड़ी बड़ी बना दी तभी तो हम पलोठन लगा करते हैं इस तरीके से, धीरे धीरे बहुत आराम आराम से। अंगूठियां छप गई मेरी। अभी हुआ हाँ जी देखना, नहीं हुआ है अभी आपका तवा। मैंने कहा था ना तवा बहुत देर में होता है। देखना रोटी सही होगी ना। देखो गाइस रोटी मेरी सही हो गई भैया। जो अगर तुम कोशिश करोगे तो काम क्यों नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। भाई मेरी रोटी कब बनेगी, मैं दोबारा बना दूंगी इसे, है ना। हिताक्षी का आज मूड था कि हम चूल्हे पे खाना बनाएं, हिताक्षी ने कहा था, और इसलिए ये नाराज भी हो रही कि आपने चूल्हा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हुई है। लकड़ियां मिल जाएंगी तो फिर चूल्हा बन जाएगा। ओके ठीक है कांति, कहीं लकड़ियां मिल जाए तो बता देना, ठीक है। ठीक तो फिर हम चूल्हा बनाएंगे और फिर चूल्हे पे खाना बनाएंगे। ओके ओके हिताक्षु। ओके तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हिताक्षी कितनी परेशान हो रही है, उसे चूल्हे पे रोटी मतलब चूल्हे की रोटी खानी थी, उसका उसे खानी भी इतनी नहीं है, एक दो रोटी खाएगी, पर वो बच्चों को एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हमारे घर में चूल्हे पे खाना बन रहा है, सब लोग वहाँ पे बैठते हैं, तो बस इसी के लिए वो थोड़ी परेशान हो रही थी। तो जल्दी ही मैं एक दिन चूल्हे पे खाना बनाऊँगी, घर पे ही लकड़ियों का इंतजाम करते ही वहीं पे छत पे ईंटों का चूल्हा बना के बनाएंगी खाना। तो ये हो गई इनकी थाली रेडी, और ये मैं, इन्होंने बोला हरी चटनी दो मुझे, तो मैं साइड में रख देती हूँ ये चटनी वाली स्पून, इसमें डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसी का टेस्ट रहेगा। गुड़ और देना भी दे जाऊँगी। लीजिए 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 लीजिए। आज साग ना थोड़ा अलग तरीके से बनाया, छोंक वोंक हमने जैसे हम प्रॉपर लगाते थे पहले वैसा नहीं है। अच्छा लगा ना, बेहतरीन, थैंक यू। लो मुझे और दो, एक रोटी और दो और पनीर दो बस बस। ओके ला। तो गाइस यहाँ हम जा रहे हैं कांति को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसे आज काफ़ी थोड़ा लेट हो गया था, और पता है इतनी लेट हम उसे भेज नहीं सकते थे अकेले, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही जा रहे थे छोड़ने के लिए, और यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे रिशु को, क्योंकि वो पापा जी के पास छुपी हुई थी। बस रात होते ही रिशु को तो डेली का काम है छुपन छुपाई खेलना है, कभी यहाँ छुपेगी कभी वहाँ छुपेगी, मुझे ढूंढो रजाई में नहीं है। ये कौन है, ये किसके पैर हैं, ये किसके पैर हैं, तुमने बाबा को सोन दो यार ये रही। अरे भाई चलो चलो अंदर चलो चलो आप, पापा जी कैसे साइड में एक तरफ को लेटे हुए हैं, इन दोनों ने बेड घेर रखा। चलो आप, मैं आ जाऊंगी यार। बेटा बाबा को भी तो रेस्ट करना होता है, है? नहीं मानती है।
तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ अभी प्रेस, क्योंकि कई दिनों से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। कम से कम 3 दिन 4 दिन लगभग हो गए थे, क्योंकि बाहर डालने का कपड़े कोई फ़ायदा नहीं था, ओस इतनी बरसती है कि वो और गीले हो जाने थे। तो इसीलिए मैं अंदर रेलिंग में ही डाल देती हूँ मशीन से ड्रायर करके, हैवी मानसून पर ड्रायर करके, तो थोड़े मतलब सूखे से हो जाते हैं, फिर भी वो गीलापन रह जाता है। तो देखिए मैं कितना धुआं निकल रहा है यहाँ पे, हल्के गीले से हैं कपड़े, तो मैं उन पे आयरन करके अच्छे से सुखा कर प्रेस करके रख देती हूँ कि कब तक मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ इन दिनों, खासकर जब हैवी सर्दियाँ पड़ रही होती हैं। ये हो गए मेरे सारे कपड़ों की प्रेस, अब मैं हो गई फ्री। अब आयरन करने के बाद अभी 11 बज रहे हैं, अब 11 बजे मैं इन सब काम से फ्री होके अभी एडिटिंग करूँगी और फिर जाऊँगी सोने। और सर टीवी बंद करो और लेट जाओ सब लोग, ठीक है? मैं अपना काम करूँगी, शांति रहेगी तो मैं आराम से कर सकती हूँ फिर। तो मैंने एक हाथ पे तो ये वाली नेल पेंट लगाई थी है ना, और एक हाथ पे लगाई है ये वाली, तो दोनों हाथ हो गए मेरे रेडी। साक्षी दिखाना एक मिनट, पकड़ना ऐसे, ये देखिए काफी दिन हो गए थे, बहुत दिनों से ना नेल्स ऐसे ही थे प्लेन। मैंने कहा आज नेल पेंट लगा ही लेती हूँ।